सो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि दीदी हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, काफी ज्यादा बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं। सो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं जैसे कि हमें क्यों हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इच्ची स्कैल्प होना, डैंड्रफ का होना, ऑयलिंग प्रॉपरली ना होना, शैम्पू का प्रॉपरली ना होना, सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं ऑयलिंग आपको ऐसे करनी है, जैसे कि आपको शैम्पू करना है, उसके प्रीवियस डे आपको शाम को रात में ऑयलिंग करनी है अपने बालों पे, और स्कैल्प आपको स्कैल्प में ऑयलिंग करनी है, आपको एंड्स पे नहीं करनी है। अगर आप एंड्स पे करेंगे तो आपके स्प्लिट्स एंड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस वजह से आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे करना है, और ये तीन चीजें तो आपको बहुत जरूरी है आपके ऑयलिंग प्रोसेस में आपको मिलानी मिलानी है। पहला आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत जरूरी है हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोकोनट ऑयल तो आपको लेना है। सेकेंड हमको लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है हमारे हेयर फॉल को रोकेगा, कैस्टर ऑयल को हमें ले लेना है। एंड थर्ड हमें लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी जो इसकी इची स्कैल्प होती है उसमें हम लगाएंगे, तो ये हमारे जो स्कैल्प है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, और जो भी इचीनेस हमारे बालों में हो रही है उसको कम करेगा। एंड अब इन तीनों चीजों को मिला के आपको एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और इसको धीरे धीरे आपके स्कैल्प पे लगाना है, और अच्छे से आपके सारे जो सारे हेड पे आपको सारे स्कैल्प पे इसको अप्लाई कर लेना है, और धीरे धीरे अपने हाथों से ही आपको मसाज करनी है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको धो लेना है। सेकेंड चीज मैं टिप्स अपने डिस्कस करने वाली हूँ, कॉम्ब। आपको वुडन कॉम्ब यूज करनी है, और वुडन कॉम्ब्स माना गया है, जो लकड़ी की कंघी होती है आयुर्वेदा में माना गया है कि काफी ज्यादा प्रमोट करती है आपकी हेयर ग्रोथ को, क्योंकि यह आपके हेयर फॉलिकल्स को खोलेगी, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो कंघी चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इस तरह की कंघी भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वुडन कॉम्ब नहीं है तो। और ध्यान रहे, जब भी आप रात को सोएं उससे पहले आपके बालों को डिटेंगल करके सोएं, और जब भी आपको मॉर्निंग में शैम्पू करना हो उससे पहले आप अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए, सुलझा लीजिए, ताकि आप जब शैम्पू करें तो आपके बाल ज्यादा उलझे नहीं और ज्यादा टूटे नहीं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो शैम्पू है, आजकल सारे ही शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल आ रहा है, बट हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है शैम्पू के लिए। बस हम इसमें ये कर सकते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम इसको केमिकल फ्री बना सकते हैं, लेस केमिकल वाला बना सकते हैं। सो हमें करना ये है कि पहले हमें चाय पत्ती को उबाल लेना है। चाय पत्ती के बाद हमें इसमें एक चम्मच जो मेथी का दाना है वो डाल के उबाल लेना है। दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से उबालना है, ठंडा होने रख देना है। ठंडा होने के बाद एक चम्मच ACV मतलब एप्पल साइडर विनेगर को मिला देना है, और अच्छे से ये एक घोल बन जाएगा। फिर इसमें शैम्पू डाल लेना है आपको, और शैम्पू डाल के इसको अच्छे से हिला लेना है। अच्छे से हिला के ये आपका एक परफेक्ट शैम्पू बन जाएगा, केमिकल फ्री शैम्पू बन जाएगा, और आपका जो हेयर फॉल है रुकने में आपको, अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो कम से कम आपको 15 डेज लगेंगे, और आपका हेयर फॉल जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद चेंज देख पाएंगे, और आपकी जो स्कैल्प है काफी ज्यादा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, प्लीज प्लीज ये हेयर केयर रूटीन जरूर अपनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या असर हुआ आपके बालों पे, आपकी स्कैल्प अच्छी हुई कि नहीं, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट हुई कि नहीं, और मुझे जरूर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।